मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. हेलो, आई एम आरिफ, योर फैकल्टी हेड, टीचर एंड ट्रेनर. आज की हम लोग इस पावर पॉइंट की पावरफुल क्लास में ये कोशिश करेंगे सीखने की कि कैसे होम टैब के अलावा इंसर्ट टैब में जा करके अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बहुत ही यूनिक, बहुत ही ग्रेसफुल हम लोग बना सकते हैं. और रैदर देन हम कोई गलती करें, इससे बेहतर है कि हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से सीख लें. तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पावर और नीचे आएगा पीएनटी, एंटर प्रेस करेंगे, ओपन हो जाएगा. ये आपका टाइटल और सब टाइटल आ चुका है ऊपर, मतलब आपको जो हेडिंग डालनी है वो आप टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ क्लिक करके लिख सकते हैं. उसके बाद से नीचे सब टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पर जो उसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं आप. ठीक है, जैसे होता नहीं कि यहाँ पर आपने हेडिंग लिख दिया, लैंग्वेज क्या लिख दिया आपने, लैंग्वेज आपने तो ये लिख दिया. मैं नीचे आऊँगा, क्लिक करूँगा और लिखूंगा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. क्या लिखूंगा बच्चों, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक, ये दो काम हो जाने के बाद तीसरा जो काम आप करते हैं वो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड ऐड करेंगे और दूसरे वाले पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए पहले तो आप यहाँ जाओ, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पे आओ, क्लिक करो, एंटर प्रेस करो, कंट्रोल एल दबाओ लेफ्ट में आने के लिए, यानी आप बॉक्स के लेफ्ट में आ गए. ठीक है, उसके बाद से यहाँ से बुलेट्स चूज़ करिए. बुलेट्स चूज़ करने के लिए आप नंबर लगाओ, रोमन नंबर लगाओ, आपकी मर्ज़ी बुलेट्स लगा लो. तो मैंने यहाँ पे ये लगा लिए, चेक बॉक्स लगा लिए. ठीक, और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पोकन, एंटर, रिटन, एंटर, सिंबॉलिक, क्या सिंबॉलिक, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ये तीन भाषाओं के रूप होते हैं. बेसिकली यही तीन होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. आपको अभी सर समझ में नहीं आया, ये तीन तो उनके लिए हैं जो आँखों से देख सकते हैं, लेकिन जो नहीं देख सकते हैं, ब्रेल, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेल, ब्रेल का टाइपराइटर भी आता है, ब्रेल की किताबें भी आती हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट भी आता है. ब्रेल क्या होता है, उनकी किताबों में ऐसे महीन में दाना दाना जैसे उठा रहता है, वो दाना दाना जो होता है ना वो छू करके वो देखते हैं कि ये ए है. याद है मैंने बिंदी बिंदी पंच को पंच कार्ड पर बताया था करके, तो वो तुम्हें दबा दबा के लिख रहा था, लेकिन वो ब्रेल वाली लिपि में उभरा हुआ रहेगा. उन्होंने तुम सहलाओगे तो मालूम चलेगा तुम कहाँ से क्या बना हो. अभी देखिए इनका हाथ है, ये मैं इस पर डॉट डॉट किया. ठीक, डॉट डॉट जब मैं करूँगा तो मैं जब हाथ को सहलाऊंगा इस पर तो मैं देखूँगा कहाँ कहाँ, अच्छा यहाँ डॉट जा रहा है, यहाँ डॉट जा रहा है, ठीक ठीक, फिर यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ यानी बी नहीं है, यहाँ पे ये बी नहीं, फिर ये गोल शेप में नहीं है, ओ नहीं है, फिर यहाँ यहाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, फिर वापस आऊँ इधर, ओ अच्छा ये जो ए है, क्या है ये, इसको ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ब्रेल. तो ये उन लोगों के लिए जो आँख से नबीना है, मतलब कि जो आँख से देख नहीं सकते. ठीक है, कोई समस्या आता है नहीं. आपने यहाँ पे तीन भाषाओं का माध्यम लिख दिया. इसके बाद से सेलेक्ट करके, मैं पुरानी चीज़ बताना चाहता हूँ एक बार हल्का सा, सेलेक्ट करके कोई भी आप शेप दे दो, कोई डिज़ाइन दे दो, आपकी मर्जी. ठीक है, वहाँ पे आप आओगे, शेप चूज़ करोगे और डिज़ाइन यहाँ पे खोल दो, ये डिज़ाइन हो गया. डबल क्लिक करोगे इस डिज़ाइन पे, सेंड टू बैक, क्या कर दोगे, सेंड टू बैक. सेंड टू बैक होने के बाद से आप वर्ड आर्ट का कलर चूज़ कर लेना, होम पे जाना, होम पे जाने के बाद से कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेना और यहाँ टेक्स्ट कलर पे जा करके वाइट या जो भी कलर सही लगे वो दे देना. फिर वापस से इस पे आना, इस शेप पे आने के बाद इसके बॉर्डर पे आके दो बार क्लिक करना, इसके बाद से क्या करना, तुम्हें जो कलर करना होगा तुम जाके वो कलर चूज कर लेना, कोई बाधा तुम्हें नहीं आने वाले, कोई दिक्कत यहाँ था नहीं. आप एग्जैक्टली यहाँ राइट क्लिक करना, दूसरे वाले पे यहाँ क्लिक करना और यहाँ पे लिखना तुम लोग सिंबॉलिक के बारे में, किसके बारे में, सिंबॉलिक, एग्जैक्टली इस पर लिखना अबाउट सिंबॉलिक. ठीक, ये हो गया. क्लिक ऐड टू टेक्स्ट, हम ऐड नहीं करेंगे, हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आ करके यहाँ पर क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं. क्या ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट. अब दिखाता हूँ क्लिप आर्ट से क्या होता है. यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा, जब नहीं ऐड करोगे वहाँ नीचे दिख जाएगा ऐड क्लिप आर्ट. क्लिक करना, बगल में सर्च करना और लिखना कंप्यूटर, क्या लिखोगे, आपकी मर्जी जो भी आप चाहो,
सर्च कर सकते हो, बट मैं कंप्यूटर ही सर्च करूँगा। कंप्यूटर आ गया, क्लिक किया आपने, कंप्यूटर लग गया। अब यहाँ पे जो सिंबॉलिक यानी कि जो आंखों से देख के समझ सकता है वो ये क्या बता रहेगा, अ गर्ल विथ हर पीसी, क्या बोलेगा वो, अ गर्ल विथ हर पीसी, एक लड़की अपने कंप्यूटर के साथ बैठी हुई है, सर लो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्लिक ऐड टेक्स्ट पे जाना, यहाँ क्लिक करना और लिख देना बड़े अक्षरों में, अ गर्ल विथ अगल भी था पीसी, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत आता हूँ यहाँ तक नहीं। तो बस कहने का मतलब ये तो मैंने सिम्बॉलिक के बारे में लिख दिया, फिर इस पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना, मैं उल्टा लिख रहा हूँ ये याद रखना। वहाँ पे पहले क्या था, स्पोकन था, रिटन था, फिर सिम्बॉलिक था, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा कि आपने वहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा। नीचे आइए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटन क्या करूँगा, अबाउट अबाउट रिटन, एग्जैक्टली रिटन, ये मैंने लिख दिया, नीचे क्लिक करिए। अब मैं क्या होऊंगा, देखिएगा रिटर्न के बारे में बोला है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू आर ए एन डी शिफ्ट 9 शिफ्ट 0 बिकॉज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन है, एंटर प्रेस किया, आ गया। ये रिटर्न लैंग्वेज है, क्या ये, इसको आप फॉर्मेट पे एडिट कर लीजिएगा, राइट क्लिक करिए, न्यू स्लाइड पे जाइए और यहाँ पे लिखिए क्या, स्पोकन, क्या लिखेंगे आप, स्पोकन, स्पोकन अबाउट स्पोकन, हाँ ठीक है। लिखते बच्चों यहाँ तक नहीं, स्पोकन में आप क्या करिएगा, देखिए आप यहाँ पे जाइएगा किस पे, इंसर्ट पे, आप किस पे जाएंगे, आप अब इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट पे गए, फोटो एल्बम शेप स्मार्ट आर्ट, तो मैं कहता हूँ स्मार्ट आर्ट लगाइए, क्या लगाएंगे आप, स्मार्ट आर्ट, कोई एक डिज़ाइन चूज करिए यहाँ पे जो आपको ठीक लगता हो, मैं ये चूज कर लेता हूँ एक बार, ये देखिए ये लैंग्वेजेस लग गए, चेंज कलर पे जाइए, कलर चेंज कर लीजिए सुविधा अनुसार, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है, मैं बॉर्डर पे टच कर रहा हूँ जहाँ पे टूल मूव बन जा रहा है, चार मूव वाला बन जा रहा है, मैं वहां पे क्या दबा रहा हूँ, सिर्फ कट दबा रहा हूँ, क्या दबा रहा हूँ बेटा, एक ही मुझे चाहिए बस, वो बॉक्स एक ही बॉक्स, यहाँ मैं क्लिक करूंगा फोटो के लिए कि मैं फोटो लगा सकूं, फोटोज के लिए यहाँ पे मैं आऊंगा पिक्चर्स में, पिक्चर्स में आने के बाद से कोई फोटो जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक है, या डाउनलोड्स में जाऊंगा कोई फोटो मुझे ठीक लगती है, चलिए मैं इस बच्ची की फोटो लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक फोटो मैंने प्लस कर दी, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, स्पोकन इंग्लिश, पर हिंदी तो कोई सीखता नहीं यहाँ पे इंडिया में, कहीं देखा पे हिंदी सिखाया जा रहा है, बार बोर्ड लगाइए हिंदी सीखिए, हिंदी टाइपिंग सिखाते हैं, नहीं वो हिंदी उनको जरूरत ही नहीं, वो हिंदी और उससे मतलब नहीं, क्रेज थोड़ा बढ़ गया है हिंदी सीखने का, मुझे लगता नहीं कहीं क्लासेस चलती है इसके लिए, नहीं मतलब साउथ में हिंदी टीचर्स का डिमांड है, टीचर्स का डिमांड है, बट स्पेशली कहीं क्लास नहीं खुली है कि आइए हिंदी सीखें, समझिएगा इस बात को, ये नहीं उनको, उनको बस जरूरत भर की चाहिए और YouTube पर मिल जाती है, कुछ आते नहीं कुछ सिखाया, नहीं मैं क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, टीचर्स स्कूल्स में बात कर रही हूँ, अच्छा डिमांड था स्कूल में, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश यहाँ पे आ गया, यानी मैंने इस स्लाइड में तीनों दिखा दिया, क्या दिखा दिया बेटा, तीनों, ये हमारा इंट्रोडक्शन पेज है, इसको और आप अच्छा बना सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने पहले वाली वीडियो में बता भी दिया कैसे इसको और बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पेज मैंने बना के दिखाई दिया, तीसरा आपके सामने है, चौथा भी आपके सामने है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि देखिए जब आप यहाँ स्टार्टिंग पेज पे आप आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अभी बन जाने के बाद आप जाइए इंसर्ट पे, कहाँ जाएंगे आप, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे गए, पिक्चर में आपने पिक्चर लेना है,
पिक्चर एल्बम से एल्बम, एल्बम के लिए आपको कहीं ना कहीं से फाइल चाहिए होगी, फिलहाल कोई फाइल मौजूद नहीं है, मतलब मैं दिखाता आपको, न्यू टेक्स्ट बॉक्स एक ले लीजिए, फिट टू स्लाइड वन पिक्चर कर लीजिए रेक्टेंगल शेप में और ब्राउज करिए। क्या करेंगे, ब्राउज मतलब पहुँचिए कहाँ से लगाना है, अपेक्स क्या कोई करके, अपेक्स का देखते हैं एक बार, ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे आएगा, ठीक है, इसको भी रैंक देते हैं। बाकी इंसर्ट में मैं फिर वापस आया, मुझे यहाँ पर टेबल मिल गया, उस दिन इनवॉइस बना रहे थे याद है आप लोगों को, टेबल वगैरह, फिर बगल में गया पिक्चर चूज़ करनी हो तो पिक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई पिक्चर लगाना हो तो पिक्चर भी मिल जाएगा। फिर यहाँ से बंद करिए, इसके बाद से आपको शेप्स क्या मिल जाएंगे, शेप्स मिल जाएंगे, तो शेप पे आइए, कोई एक शेप चूज करिए और शेप लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद से स्मार्ट आर्ट क्या करेंगे आप, तो पता ही आपको स्मार्ट आर्ट कैसे लगाना होता है, आप जानते हैं, लगा लीजिएगा, प्री डिफाइंड होता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और बनाते हैं इसको सेलेक्ट, सेलेक्ट किया हमने सबको, बोलो सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक क्या देखा बच्चों, हाइपर लिंक पे क्लिक करिए, कैसा हाइपर लिंक जो आपको लिंक से जोड़ता है, एक और फाइल से जोड़ देता है। मैं यहाँ पे आया इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथ, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो पीडीएफ में है, मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा, आप कोई भी फाइल जोड़ सकते हो। अब देखो ये लिंक बन चुका है, क्या बन गया ये लिंक को एक्टिवेट करने का तरीका है कि कंट्रोल दबाइए और उसके बाद उस पर ले आके माउस से कर्सर प्रेस करिए, मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से। मैंने हाइपर लिंक पे मैं गया, कोई एक फाइल पे आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे आया, क्लिक किया मैंने, ओके प्रेस किया, बन गया, कंट्रोल दबाइए, एक सेकंड, शो नहीं कर रहा, हाइपर लिंक पे गए और एक सेकंड अभी शो नहीं कर रहा, मैं दिखाता हूँ कैसे, हाइपर लिंक तो बन गया, मैं भी एक्टिवेट किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, देखते हैं क्या, हाइपर लिंक पे जाइए, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट वेब पेजेस पे जाइए, एक्सेल फाइल्स पे आइए, एडवांस माइक्रोस भी लुकअप वोट वैलिडेशन ओके, एक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मे भी कुछ इशू है, देखते हैं क्या है। ठीक है, हाइपर लिंक लगाने का मतलब है कंट्रोल, और आप जब माउस के लेफ्ट क्लिक से प्रेस करोगे तो सीधे रिडायरेक्ट करेगा आपको नए पेज पे, सीधे आपको वहाँ लेकर के जाएगा, तो यहाँ कोई बहुत बाधा की बात नहीं है, मे भी कुछ इशू आगे नहीं हो पा रहा है। हाइपर लिंक ऐसे लगाते हो, हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में होते हुए एक लाइन दो लाइन में एक ऐसा लिंक क्रिएट करते हो, एक ऐसा टेक्स्ट क्रिएट करते हो कि वो आपको लेकर के जाता है नए पेज पे, कहाँ लेकर के जाता है नए पेज पे। नए पेज पे जाने के साथ साथ क्या होता है, समझिएगा इस बात को, कि आपका डॉक्यूमेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। मान लो एक लाइन में आपको बहुत कुछ शो करना, तो आप शो नहीं कर पाओगे, आप यहाँ क्लिक करोगे और वो आपको एक नए फाइल पे नजर आ देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग आते हैं वापस से इंसर्ट पे, इंसर्ट पे क्लिक किया, एक्शंस क्या दिया यहाँ पे, एक्शंस, हाइपर लिंक यहाँ दे रखी है, ओके प्रेस किया आपने, मैं यहाँ पे आऊँ और इस शेप को क्लिक करूँ, एक्शंस पे जाइए, रन प्रोग्राम, ब्राउज किया, थीम कलर पे जाइए, चल रही है, डाउनलोड पे आ जाइए, कोई प्रोग्राम और रन करना हुआ तो किसी का टेरा कॉपी पे आ जाइए, ग्रामरली पे आ जाइए, बस करिए, ठीक है, ये दो ऑप्शन अभी डल हो गए, एक्टिवेट नहीं है, मैं इसको आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, फिलहाल आप ये देख लो।
टेक्स्ट बॉक्स बगल में क्या दे रखा है, टेक्स्ट बॉक्स। आपके पास दो स्लाइड आपको, दो पार्ट आपको मिलते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स प्री डिफाइंड आपको मिलते हैं, एक टाइटल के लिए एक सब टाइटल के लिए। आप क्या करना, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद से माउस आपका क्या बन चुका है, कर्सर बन चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करना, क्लिक करना, बस क्लिक करके छोड़ देना। क्लिक करके छोड़ दोगे, बॉक्स यहाँ पे रेडी है, तुम जो भी लिखोगे बड़ा होता जाएगा। बड़ा हो रहा है, हो गया। बोलिए, इस बॉक्स को पकड़ के आप कहीं भी ला सकते हो, जहाँ भी आपको सही लगता है। फिर इंसर्ट पे आप जाना, हेडर एंड फुटर पे आना। सबको पता है हेडर फुटर क्या होता है। हेडर पे क्या लगाओगे आप, इंक्लूड क्या करना चाहते हो, डेट और टाइम भी ऐड कर। क्या करोगे आप, इंग्लिश है यहाँ पे, अप्लाई करना है अप्लाई कर लीजिए, फुटर करना है कर लीजिए, हेडर आपके सामने है, डेट और टाइम दिख रहा है। इसके बाद से आप चाहते हो स्लाइड नंबर भी दिखाएं, स्लाइड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं। क्या होता है स्लाइड्स, पेज का पार्ट, एक पेज के दो पार्ट होंगे तो स्लाइड्स होंगे, है ना। आम तो खाते नहीं हो, आम तो फाका करके खाते हो, आम के स्लाइसेस होते हैं, ठीक, और पेज के स्लाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है, नीचे फुटर दिख रहा है आपको, बोलिए क्लिक करिएगा। यहाँ लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट या क्रिएटेड बाई या डिजाइन बाई, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं डिजाइन बाई आराध्या पांडे, ठीक, आराध्या पांडे। हालांकि ये झूठ है, लेकिन हाँ ठीक है। डेट आपके सामने है और बस काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि ये नीचे है तो बस इतने बड़े में ही रहेगा, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, साइड से खींच करके इसको क्लिक कर सकते हैं, डेट को यहाँ से हटा भी सकते हैं, ऊपर लेके चले जाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। फिर वापस इंसर्ट पे आ पाए, वर्ड आर्ट क्या करेंगे आप, वर्ड मोहम्मद आरिफ को सेलेक्ट करिए कंट्रोल से, वर्ड आर्ट पे जाइए, क्लिक करिए और जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो डिज़ाइन लगाइए, फिर बाधा आपको नहीं होगी। आया, अब ये आ गया तो रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके आने के बाद उसको आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ क्लिक करिए, कंट्रोल ए करिए, बैक स्पेस करिए, फिर यहाँ क्लिक करिए, उसको पकड़िए, लेके ऊपर जाइए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, इसको पकड़िए लेके नीचे आइए, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं, क्लिक करिए, बॉक्स को पकड़िए, ड्रैग करिए और जहाँ चाहे वहाँ नीचे ले करके आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो नया ऑप्शन खुल जाएगा फॉर्मेट का, जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो डिज़ाइन आप लगा सकते हैं, कोई बाधा आपके अंदर नहीं आने वाली है, आप आज़ाद हैं, जैसे मन में वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, ये सुनो, शेडो लगाना, बॉर्डर लगाना, टेक्स्ट फिल करना हो तो भी ब्लैक कर देना, ठीक है, आउटलाइन करना हो तो, ठीक। कोई समस्या बच्चों आप लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक दिक्कत मैं बताता हूँ क्या होगा, एडिट शेप पे जाना, कहाँ जाओगे, एडिट शेप करना। अब इसके पॉइंट्स कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम, क्या करोगे आप लोग, ऐसा मत करना, सेलेक्ट कर लो पहले इसको, सेलेक्ट किया तुमने, चेंज शेप, क्या करोगे, चेंज शेप, बिल्कुल ठीक है। रेडी शेप हो गया, कॉर्नर भी दिख रहा है, एज भी दिख रहा है इसका आपको, लेंथ और विड्थ भी दिख रही है सर, ठीक है। इसके बाद से आप आना एडिट शेप पे, कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम, क्या करोगे, अरे आओ तो पहले कोचिंग, वैसे नहीं हो गया, ये हो गया बच्चों, कोई दिक्कत आ सका आपको नहीं। इसके बाद फिर क्या करेंगे, एडिट शेप पे जाएंगे। अब क्या है ये, अब हमने वहाँ पे फ्री फॉर्म सेलेक्ट किया था, अब आगे एडिट पॉइंट्स, इस पॉइंट्स की जिस शेप को जिधर चाहे लेके जा सकते हो, पहले ऐसा नहीं था, दिखाता हूँ कैसे। पॉइंट्स पे आना, आ गए ना, तुमको ये दिख रहा है, ब्लैक पॉइंट दिख रहा है,
हर जगह दो दो पॉइंट आ गए हैं, एक नहीं है। अब देखना बहुत हल्का सा लिखा होगा। अब देखिए जैसे ही आप लोग इंसर्ट पे जाकर के ये इतना काम करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट तो दिख ही गया। बोलिए बगल में डेट एंड टाइम क्या दिखेगा आपको? डेट एंड टाइम, पता ही मैं लगा के दिखा चुका हूँ अभी, बात वही है, कोई मतलब इसका है नहीं। यहाँ से बंद करिए, बगल में सिम्बल्स हैं। यहाँ पे पहले आप सेल एक्टिव कर लो जहाँ पे लिखने का टेक्स्ट कंटेंट एरिया है। सेल एक्टिव कर लोगे जब सेल्स तुम्हारे चालू हो जाएंगे लिखने के लिए, तब तुम्हारा ये एक्टिवेट होगा क्या सिम्बल, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होने वाला। सिम्बल पे जाना, जो डिजाइन जो सिंबल तुमको पसंद है उस पर जाके चूज कर लेना। मान लो मुझे ए पसंद है, मैं ए लिखा, बोलो इंसर्ट, सिंबल ए ऐड हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ऐड हुआ, ठीक है मैंने ए ऐड यहाँ पे कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या ऐड करेंगे, कोई अदर फाइल को, अदर कैरेक्टर्स को, अदर डिजाइन को मैं अगर ऐड करना हो तो ऑब्जेक्ट क्लिक करेंगे, चार्ट वगैरह, ग्राफिक्स इमेज वगैरह, और माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक चार्ट, एक्सेल चार्ट, एक्सेल चार्ट पे क्लिक करते हैं और ओके। ठीक, एक्सेल चार्ट क्लिक हो गया। अब यहाँ चार्ट पे तुमको कुछ अगर दिखाना हो तो तुम दिखा सकते हो, राइट क्लिक चार्ट पे करना और इस पे जाके तुम्हारा चेंज चार्ट टाइप करके डेटा चेंज कर सकते हो तुम यहाँ से, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है तुमको जो सही लगता है वो चेंज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, करना हो करो वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत आ रहा किसी को नहीं। उसको साइड लेके आओ या डिलीट कर दो यहाँ से, ये हमारा डिलीट भी हो गया। फिर देखो ऑब्जेक्ट के बाद से हम फिर एक बार ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, देखते हैं एक्सेल के अलावा और क्या क्या। तो ये देखो एडोब एक्रोमेंट डॉक्यूमेंट एक्सएमएल सिक्योरिटी सेटिंग, ये सारी प्रकार की फाइलें आप इसमें ऐड कर सकते हो, एक्सेल चार्ट वर्कशीट, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्टियल चीज होगी तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत आता है किसी को नहीं। यहाँ से आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, बंद कर दो इसको। अब आता मूवी, मूवी मतलब क्लिप वगैरह, वीडियो वगैरह कोई भी अगर आपको लगता है इसमें ऐड करके चला सकते हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास कोई वीडियो है नहीं तो वीडियो में ऐड नहीं कर पाऊंगा। हाँ कोचिंग की वीडियो है क्योंकि बहुत हैवी होगी, एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या पता चल जाए। देन क्लिक, यस ठीक, मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये वीडियो प्ले हो गई। अब वो वीडियो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे बने आइकन पे प्ले होगा, अगर देखना है तो थोड़ा सा समय दो। कैसे हमारे फॉर्म पे तुम गए, इस पे गए, ठीक है होम पे चले जाओ, यहाँ पे आओ और यहाँ पे किसी को हटाना तो हटाओ यहाँ से। ठीक, तुम सबको यहाँ से गायब कर रहे हो, या एक काम करते हैं नए स्लाइड पे आ जाते हैं, इस वाले पे, इस पे आ गए। ठीक, इस पे इंसर्ट पे चला, हम क्या पढ़ रहे थे इंसर्ट में, इंसर्ट पे आ जाओ, मूवी पे जाओ, उसके बाद से मूवी फ्रॉम फाइल। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, ये एक वीडियो सेलेक्ट करो, ओके प्रेस कर दो, आया ऑटोमेटिकली बोला है व्हेन क्लिक, मैं जब क्लिक करूंगा तब ये वीडियो प्ले होगा। ठीक, इस स्क्रीन को साइड करो, कॉर्नर से इसको छोटा कर देते हैं, चलो कुछ यूनिक करते हैं आज।
प्लीज क्या भाई कुछ दिख रहा है लोगों को? यस सर। क्या दिख रहा है? कंप्यूटर में प्ले हो रहा है जो। डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए अब वो लड़की क्या देख रही है, हमारे स्कूल का वीडियो देख रही है आपके सामने है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोई भी जो चाहते हो हमारे कंप्यूटर साइंस डाल देना फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स में प्रैक्टिकल ऑफ नोटपैड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न। पता है वो वीडियो क्यों रुक गई वहां पे? रुकी नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन? मैं हमेशा अपने वॉलपेपर के पास दैट इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर तो लेक्चर चल रहा है तो वॉलपेपर रुका टाइप सम कैरेक्टर्स लेक्चर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रफ और शेयर नोटपैड। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज भी आ रही है हमारे फ्रॉम पिक्स। ठीक है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ प्रैक्टिकल जोर से पटक देखो नोटपैड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न हेलो जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नोटपैड। अ नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर दैट वी यूज टू टाइप सम कैरेक्टर्स स्टोरीज और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रफ और फेयर। Notepad is capable of to insert characters, symbols, etc. We can't insert or embed images, videos in Notepad. Now see how we can open the Notepad. जो ये बहुत जाएगा तो एक बार तो press window plus R. Window plus R press करेंगे और एक command open होगा। एक command open करने के बाद यहाँ पे type करेंगे Notepad. N O T E Thanks my dear family and my YouTube students. Thank you. Thank you. Thank you.